हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार राशन कार्ड धारकों को सरकार ने 1000 रुपया देने का वादा किया था, तो आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत ऐसे सारे राशन कार्ड धारियों हैं जिसका अभी तक अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं आया है, तो क्या रीज़न है, आप लोगों को क्यों रुपया नहीं आया है, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग को एक लिस्ट जारी हुआ है, अगर आप लोग को इस लिस्ट में नाम है तो आप लोगों को 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग उस लिस्ट को देखकर आप अपने नाम में सुधार कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या गड़बड़ी है। एक्चुअली में ऐसा है कि बहुत ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिसका आधार से अकाउंट बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, किसी का आधार से राशन कार्ड मैच नहीं खा रहा है, तो इसलिए सभी का रुपया रुक गया है। तो आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि लिस्ट जारी किया है, आप उस लिस्ट का किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि आपका भी इस लिस्ट में नाम है, तो आप जल्दी से जल्दी सुधार करके आप 1000 रुपया पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो गया, एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एवं ऑल के ऑप्शन पर सेट कर देंगे। चलिए अब बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं कि वो लिस्ट कहाँ मिलेगा आप लोगों को। आसानी से वो लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग जो राशन कार्ड का ऑनलाइन किए थे, वो आप लोग EPDS के माध्यम से ऑनलाइन किए थे, तो आप लोग को मालूम होगा कि ये साइट जो है ये शुरू से ही वर्क नहीं कर रहा था। आप लोग को जो भी ऑनलाइन कर चुके हैं वो ऑनलाइन करने में कितना परेशानी हुआ होगा आप लोग खुद जानते होंगे। जैसे कि ऑनलाइन करने पर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ता था, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी भी क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका सर्वर अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके देखते हुए सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है जिन सभी को रुपया अभी तक नहीं आया है, जिसका कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि किसी का बैंक जो है उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट में NPCL नहीं किया गया है, और किसी का आधार नंबर जो है वो आपके नाम से मैच ही नहीं खा रहा है। किसी का आधार नंबर से किसी का राशन कार्ड का नाम जो है उसमें ही मैच नहीं खा रहा है। तो सरकार इस सभी को देखते हुए एक लिस्ट जारी कर दिया है। तो आप लोग इस वीडियो में हम बताएँगे आप लोगों को कि आप लोग इस वीडियो को देखने पर पता कर सकते हैं कि आप लोग के लिस्ट में कैसे सुधार आएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग ये लिस्ट देख रहे हैं, इसमें देखिए बहुत चीज़ बताया गया कि देखिए जिसका देखिए एक नंबर में जो है किसी का, देखिए यहाँ पर लिखा है कि बैंक से लिंक नहीं है, यानी बैंक से आपका लिंक नहीं है आधार कार्ड। दूसरा हम दिखा रहा है, देखिए अभी इसका जांच किया जा रहा है, इसका जांच अभी सरकार कर ही रहा है, तो कैसे रुपया आएगा। देखिए इसमें भी बैंक से लिंक नहीं है, इसमें भी बैंक से लिंक नहीं है। आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देते हैं, एक मिनट। जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, देखिए आप लोग को साफ साफ दिखाई दिया होगा कि बैंक से लिंक नहीं है। देखिए लिंक की जांच किया जा रहा है, देखिए लिंक की जांच किया जा रहा है, लिंक बैंक से लिंक ही नहीं है, तो आप लोग कैसे रुपया आएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नहीं है, आधार कार्ड आपका मैचे नहीं खा रहा है, तो आपको कैसे रुपया आएगा, किस प्रकार सरकार रुपया DBT के माध्यम से भेजा देगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सरकार जो है हर एक रुपया DBT के माध्यम से ही अब भेजता है, जो इसका फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से रुपया बहता है डायरेक्ट आधार कार्ड से। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से राशन कार्ड से मैच खाता है तो ही तो रुपया आएगा। तो चलिए आप लोग ये अब बता देना चाहते हो कि ये लिस्ट कहाँ मिलेगा। तो आप लोग को ये लिस्ट जो है आपके डीलर के पास जो सरकार सेंड किया है, आपके डीलर के पास सभी ये लिस्ट जारी कर दिया है। आप लोग अपने डीलर के पास जाकर ये देख सकते हैं कि लिस्ट में, अगर आप लोग को डीलर के पास एक इस प्रकार का फॉर्म भी मिलेगा, ये फॉर्म आप फिलअप करके डीलर के पास जमा कर दे। देखिए इसमें क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट सेट करना पड़ेगा, उसके बाद सब डिवीज़न, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद पंचायत, उसके बाद विलेज, उसके बाद राशन कार्ड नंबर, उसके बाद राशन कार्ड किसके नाम से शो, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसके बैंक अकाउंट, उसके बाद उस बैंक का IFC कोड। ये इतना सारा भरने के बाद आप लोग को डीलर के पास ही जमा कर देना है। डीलर खुद वह अपने से ऊपर के पदाधिकारी को जमा कर देगा और आप लोग को आसानी से रुपया आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में जान लिए कि आपको किस प्रकार 1000 रुपया जो फंसा है अभी तक सरकार द्वारा वादा किया गया था कि 1000 रुपया देने का सभी राशन कार्डधारी को, तो आप लोग को इस प्रकार रुपया आ सकता है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगर